में जेल जो है वो है ब्लैकवेल आइलैंड में ये रहा सोपी। और पहले उसने कुछ प्रयास किया ठीक है सबसे पहला उसने प्रयास किया कि एक रेस्टोरेंट में जाने का कि भाई रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाते हैं और फिर बोलेंगे पैसे नहीं है तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे तो जैसे ही वो रेस्टोरेंट में जाने का प्रयास करता है तो वहां का जो हेड वेटर है ठीक है उसने देख लिया कि भाई इसमें आप नहीं आएंगे ठीक है क्योंकि उसने देख लिया था कि उस सोपी का जो बूट है वो फटा हुआ है और उसका पैंट भी फटा हुआ है तो सोपी को उसने बाहर निकाल दिया चलिए अब सोपी जो है वो रस्ते पे खड़ा है ब्रॉडवे पे खड़ा है ठीक है और आइलैंड नहीं जाने मिलेगा ऐसा सोच रहा है अब कुछ र... दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा एट अ कॉर्नर ऑफ सिक्स एवेन्यू वॉज अ शॉप विथ अ वाइड ग्लास विंडो ब्राइट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स तो एक कॉर्नर सिक्स एवेन्यू एक जगह का नाम है ठीक है चार रस्ता बोलते हैं उसको सिक्स एवेन्यू के एक नुक्कड़ पे कॉर्नर पे एक, एक शॉप थी वहां पे जहां पे एक बड़ी सी ग्लास विंडो थी और उसमें इलेक्ट्रिक लाइट्स ब्राइट थे एकदम जोरदार ठीक है सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और ग्लास के ऊपर फेंका लोग वहां दौड़ते दौड़ते आ गए पीपल केम रनिंग अराउंड कॉर्नर अप वॉज द फर्स्ट अमोंग तो लोग वहां पे दौड़ते दौड़ते आ गए और एक पुलिस वाला सबसे पहले दौड़ते दौड़ते आया स्टोपी सॉ द कॉप तो सोपी वहीं पे खड़ा रहा और जब उसने वो पुलिस वाले को देखा कॉप को देखा तो वो हंसने लगा देखो ये रहा आ, सोपी और यहां है पुलिस वाला ठीक है ओके वेर इज द मैन दैट डिड दैट आज द कॉप कहां पे है वो इंसान जिसने ये किया है cop ने बोला don't you think that i might have done it said sophy क्या आपने ये नहीं सोचा कि वो मैंने किया है सोपी ने बोला he was friendly and happy what he wanted was coming towards him वो बहुत ही फ्रेंडली था बहुत ही खुश था उसको जो चाहिए वो अब मिल जाने वाला था है कि नहीं उसको तो जेल जाना था but the cops mind would not consider sophy मैन हु ब्रेक विंडोज टू नॉट स्टॉप देर टू टॉक टू कॉप अब कॉप का जो माइंड था कॉप का जो दिमाग था वो सोपी को गुनेगार गिन ही नहीं रहा था ठीक है वो गुनेगार नहीं मान रहा था ऐसे इंसान जो विंडो तोड़ देते हैं वो तो भाग जाते हैं वो रुक के थोड़ी कॉप से बात करते हैं पुलिस से बात करते हैं तो ऐसा उसने सोचा दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन ये विंडो तोड़ने वाला तो इतना फास्ट भाग जाते हैं द कॉप सॉ अन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग वो एक पुलिस वाले ने एक इंसान को देखा जो रस्ते पे दौड़ रहा था ठीक है वो उसके पीछे भागने लगा ही ही आफ्टर हिम एंड सोपी सोपी सिक एट हार्ट स्लोली अवे और जो है वो अब परेशान हो चुका था वो अब शांति से चलने लगा क्योंकि उसको पकड़ा ही नहीं ठीक है एक इंसान जो भाग रहा था उसके पीछे वो पुलिस वाला भागा सोपी को पकड़ा ही नहीं तो वो दो बार फेल हो चुका था उसको करना था भाई पुलिस स्टेशन में उसको जाना था उसको एक जेल के अंदर जाना था अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट अब एक रास्ते के सामने ठीक है वो रास्ते के सामने एक और रेस्टोरेंट था ठीक है इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे तो वो उतना अच्छा नहीं था जितना वो ब्रॉडवे पे रेस्टोरेंट था द पीपल हु वेंट देयर वेर नॉट सो रिच तो लोग जो वहां पे गए वो ज्यादा पैसे वाले नहीं होते थे इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड खाना भी उतना अच्छा नहीं था इन टू दिस सोपी टुक हिज हिज ओल्ड शूज एंड एंड टॉन क्लोथ नो वन टूकोप हिम तो इसमें जब वो गुस्सा अपने पुराने जूते और फटे हुए कपड़े पहन के ठीक है तो किसी ने उसको रोका नहीं वो वहां पे बैठा एक टेबल पे और सोन वो डिनर खाने लगा है बढ़िया बढ़िया खाना वो वहां पे खाने लगा जब उसने खत्म किया उसने बोला कि उसके पास पैसे नहीं है गेट बिजी एंड कॉल अ

द टू वेटर थ्रूसोपी अपॉन हिज लेफ्टर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड तो वो दोनों वेटर ने उठा के उसको बाहर रस्ते पे पटक दिया वो धीरे से खड़ा हुआ एक एक पार्ट खड़ा हुआ एक हाथ फिर दो हाथ फिर एक पैर दो पैर दो पैर पे खड़ा हुआ और उसके कपड़ों पे जो डस्ट लगा था धूल लगी थी उसने वो साफ करी भाई जेल जाने की बात तो बस उसको सपना लग रही थी प्रिजेंट सीम्ड ओनली अपी ड्रीम ठीक है, आइलैंड आईलैंड तो बहुत दूर लग रहा था एक पुलिस वाला जो वहां पे नजदीक ही खड़ा था वो हंसा और निकल गया चलते चलते बोलो सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन सोपी फिर से चलने लगा व्हेन ही स्टॉप्ड ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स तो जो वो जहां पे रुका ठीक है वहां पे बहुत सारे थियेटर्स थे इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी Streets are are brighter and hearts are more joyful than in other हार्ट आर तो शहर के ये भाग में ठीक है तो वहां के जो वुमन थे, जो मैन थे वो सारे अच्छे अच्छे कोट, बड़े बड़े कोट में आराम से खुशी खुशी चल रहे थे ठंडी हवा में A sudden fear caught Sophie. नो no तो उसको फ़ियर लगा एक और डर लगा यार कोई भी पुलिस वाला मुझे पकड़ेगा नहीं तो यहाँ पे इमेज दिया है हमको जो रेस्टोरेंट में से उसने बाहर दोनों वेटर ने पटका था सोपी को वो इमेज है यहाँ पे भाई अब क्या करता है सोपी देखते हैं सोपी ट्राइज इज लक ट्राइस अके दो बार ट्राई कर रहे हैं लेकिन कॉप जो है जो पुलिस वाले हैं वो तो नहीं पकड़ रहे सोपी को अभी भी उसका चाइल्डहुड होम याद आया और मम्मी याद आई और उसने कुछ नया करने का सोचा फीलिंग अ हैंड ऑन इज ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप तो जब देखता है तो एक पुलिस वाला वहां पे आया है तो चलिए भाई सोपी जो है वो उदास है भाई तीन बार फेल हो चुका है वो ठीक है पहले रेस्टोरेंट में गया फेंक दिया गया अंदर ही नहीं जा पाया वो फिर दूसरी बार उसने कांच तोड़ा कुछ नहीं हुआ तीसरी बार एक रेस्टोरेंट में खाना वाना खा के बोला पैसे नहीं है तो फेंक दिया उसको बाहर पुलिस वाले ने कभी पकड़ा नहीं देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ थिएटर ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई तो उसने एक और पुलिस वाला देखा जो बड़े से थिएटर के बाहर खड़ा था ठीक है उसने कुछ सोचा कि कुछ ट्राई करते हैं ही बिगेन टू शी है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा है उसके पास बहुत वो पी आ, पी, पी गया है ठीक है उसने बहुत पी लिया है वैसे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा उसकी आवाज जितनी बड़ी हो सकती थी उतनी बड़ी उसने करी वो डांस करने लगा वो जोर जोर से चिल्लाने लगा एंड द कॉप हिज बैक टू सोपी एंड सेड टू स्टैंडिंग नियर हिम इट्स वन ऑफ कॉलेज बॉयज ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग टू लेट दम शाउट तो पुलिस वाला जो है वो सोपी के सामने से घूम गया उल्टा हो गया Hmm. और उसके नजदीक जो इंसान खड़ा था उसको बोला कि ये कॉलेज बॉयज में से एक कॉलेज बॉय है ठीक है वो कुछ नहीं करेगा डोंट वरी हमको ऑर्डर मिले हैं कि भाई चिल्लाने दो उसको अब सोपी वॉज क्वाइट वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आईलैंड एज ए इट वेर एज फार अवे एज अ स्टार तो सोपी अब चुपचाप था क्या कोई भी पुलिस वाला उसको छुएगा नहीं या कोई भी पुलिस वाला उसको पकड़ेगा नहीं वो सोचने लगा यार आइलैंड तो बहुत दूर है इतना जितना तारे दूर हैं उतना दूर हो गया उसके लिए तो आइलैंड। ही पुट हिज थिन कोट अराउंड हिम वेरी कोल्ड तो उसने पतला सा कोट जो है वो अपने टाइट पकड़ के रखा क्योंकि ठंडी बहुत थी देन ही सॉ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर तो उसने एक इंसान को देखा एक दुकान के अंदर जो न्यूज़पेपर खरीद रहा है द मैंस अम्ब्रेलाइड द डोर वो इंसान की जो अम्ब्रेला थी छा छाता था ठीक है वो दरवाजे के साइड में पड़ा हुआ था सोपी शॉप के अंदर आया वो अम्ब्रेला ली और चलने लगा बाहर द मैन फॉलोअ हिम क्विकली वह इंसान जो है उसको फॉलो करने लगा माई अम्ब्रेलाड ओ इज इट सेड सोपी वाई डों कॉल अ कॉप

बट ही हैडीलिंग दैट ही टू फेल अगेन तो अब उसको फीलिंग आई कि यार वापिस से फेल हो जाएंगे वापिस से कुछ होगा नहीं द कॉप्ट लुकड टू मैन वो पुलिस वाला जो था उसने वो दो इंसानों को देखा आई से अम्बरेला मैन दट इज यू नो हाउ दिस थिंग्स है आई एम वेरी सॉरी आई फाउंडेड दिस मॉर्निंग इनस्टोरेंट इफ यू सी आई होप यूल इट्स माई इन क्राइडी विथ एंगर एस Boys. तो मैन वाला जो था जिसका अम्ब्रेला था ना उसने ऐसा बोला कि यू you नो know, कैसे हो जाता है मेरी गलती हो ही होगी अगर ये आपका अम्ब्रेला है आई एम वेरी सॉरी मुझे रेस्टोरेंट आप तो आपका ही होगा सो so, बिना बोला हाँ मेरा है इट्स माइन वो अम्ब्रेला वाला इंसान था भाग गया द कॉप हेल्प लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट सोपी वॉक ईस्ट अब वो जो पुलिस वाला था वहां पे खड़ा हुआ था वो किसी लेडी को हेल्प कर रहा था रास्ता क्रॉस करने में तो अब वो मौका भी गया सोपी जो है वो चलने लगा ही अम्ब्रेला एज फार एज ही इट जितना दूर हो सकता था उसने ऐसा फेंक दिया अम्ब्रेला को ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड what ही थॉट ऑफ देम उसने अपने आप को कॉप्स के बारे में बताया कि पुलिस वाले हैं क्या सोच रहा है पुलिस वालों के लिए क्योंकि वो अरेस्ट होना चाहता था ठीक है दे सीम टू बिलीव ही लाइक अ किंग हु कुड डू नो तो वो लोग ऐसा मान रहे हैं कि वो एक किंग है जो कुछ गलत नहीं कर सकता इतनी सारी गलत चीजें करी उसने फिर भी वो ऐसा मान रहे हैं कि वो कोई गलत चीज नहीं कर रहा है बताइए वो अरेस्ट होना चाहता था लेकिन पुलिस वाले कर नहीं रहे थे एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी ही हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड मेडिसन स्क्वायर

वो उसका लिविंग रूम था वो जब रहता था वो लिविंग रूम था ठीक है जहां पे उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स बिताए थे सोपी के कानों में बढ़िया सा म्यूजिक बजा और वहां पे वो रुक गया अब रात हो चुकी थी द मून पीसफुल एंड ब्राइट रात हो चुकी थी ठीक है अब शांत एकदम ब्राइट मून था देर वेर फ्यू पीपल पासिंग कुछ ही लोग थे मतलब लोग ही नहीं थे जो पास हो रहे थे He could hear birds high above him. वो सुन पा रहा था वो चिड़ियाओं को जो ऊपर चहक रहे थे

डर लगा और डर किसका लगा वो सब चीज जो उसने अपनी जिंदगी में की है ठीक है वो फालतू के दिन उसने जो वेस्ट कर दिए वो गलत सलत इच्छाएं जो उसने रखी है उसकी आशाएं जो उसने तोड़ दी थी उसके दिमाग का जो पावर था वो उसने घुमा दिया था तो ये सारी चीजें उसको याद आ गई एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल फाइट टू चेंज हिज लाइफ ही वुड पुल सेल्फ आउट ऑफ द मड ही मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन तो ऑल्सो एक मोमेंट में उसका दिल जो है वो सही आंसर उसको देने लगा वो अपनी जिंदगी चेंज करेगा भाई वो इसमें से बाहर आएगा ऐसी हालातों में से वो बाहर आएगा कीचड़ में से बाहर आ जाएगा ठीक है और अपने आप को एक बढ़िया आदमी बढ़िया इंसान बनाएगा ये देखिए सोपी यहाँ पे खड़ा हुआ है म्यूजिक सुन रहा है ठीक है देर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ म तो अब वो सोच रहा था कि मेरे पास समय है मैं अभी भी जवान हूं ठीक है हम मेरा जो पूरा जिंदगी है वो अभी चला नहीं गया है तो हम मेरा जिंदगी जो है वो हम एक कर्तव्य के साथ एक मकसद के साथ फॉलो करते हैं ठीक है कुछ काम करते हैं वो स्वीट म्यूजिक ने उसको चेंज कर दिया टमोरो वुड फाइंड वर्क

और उसने क्विकली पीछे देखा तो था पुलिस वाला वॉट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड आस्किंग द कॉप आस्क द कॉप कॉप ने पूछा यहाँ पे आप क्यों घूम रहे हैं कुछ नहीं सोपी ने बोला कुछ नहीं कर रहा हूं मैं यू थिंक आई बिलीव दैट द कॉप आप ऐसा सोच रहे कि मैं मान जाऊंगा है फुल ऑफ इज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगेन टू आर्ग्यू एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद न्यूयॉर्क कॉप तो अब तो जोश आ गया था उसके अंदर है ना तो अब सोपी जो है वो आर्ग्यू करने लगा वो बोलने लगा कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा था मेरी कोई गलती नहीं है, है? तो अब न्यूयॉर्क के कॉप के साथ आर्ग्यू करना न्यूयॉर्क के पुलिस वाले के साथ आर्ग्यूमेंट करना अच्छा नहीं है कम अलोंग सेट द कॉप चलो मेरे साथ आओ थ्री मंथ्स प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आईलैंड सेट द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरी सुबह जब उसको कोर्ट में लिया गया ठीक है तो उसने बोला कि ब्लैकवेल आइलैंड में तीन महीने जेल में रहना पड़ेगा बताइए रिटर्न बाय ओ हेनरी बड़ी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज लिखते हैं ओ हेनरी ठीक है और स्टोरीज के एंड में एक ट्विस्ट आ जाता है देखिए आप स्टोरी के एंड में वो सोपी जो है वो अपने आप को चेंज करने की बात कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की बात कर रहे हैं सुधरने की बात कर रहे हैं तभी पुलिस वाले ने पकड़ लिया और फिर उसको डाल दिया ब्लैकवेल आइलैंड आईलैंड तीन महीने जेल के अंदर ओके okay. यहां पे खत्म होती है ये हमारी स्टोरी आंसर द फॉलोइंग द्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट आर द सम साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर रिफरिंग इन द टेक्स्ट द नरेटर सेज दैट व्हेन बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ व्हेन पीपल वांट न्यू वार्म क्लोथ्स एंड व्हेन डेड लीव्स फॉल वन कैन बी श्योर दैट विंटर इज नियर तो भाई नरेटर ने बोला कि जब बर्ड्स हैं वो साउथ की तरफ फ्लो करना चालू कर देंगे और लोगों के पास नए नए कोट्स होंगे कपड़े होंगे ठीक है आपकी स्क्रीन पे आ गया पूरा आंसर नहीं आया चलिए अब आ गया होगा हाँ हाँ तो भाई बर्ड साउथ की तरफ फ्लो होने लगेंगे लोगों के पास वार्म क्लोथ्स होंगे डेड लीव गिरने लगेंगे तब पक्का हो जाएगा कि विंटर नजदीक है ट्रू ऑर फॉल्स लिखना है सोपी डिट वो टू प्रिजन फॉल्स सोपी है सोपी वॉन्टेड टू गो टू प्रिजन सोपी डिपी है सोपी कई बार प्रीजन जा चुका है इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोपी टू सरवाइव इन दिटी थ्रू द विंटर विंटर में सिटी में सरवाइव करना सोपी के लिए पॉसिबल नहीं था थर्ड पॉइंट ऐसी जगह थी जहां पे सोपी जा सकता था जहां पे उसको खाना भी मिलता बेड भी मिलता ठीक है और ये सारी चीजें भी मिलती उसको तो ये फॉल्स आ जाएगा ठीक है थर्ड नंबर का फॉल्स फोर्थ नंबर सोपी हेटेड टू आंसर क्वेश्चन नेचर सही बात है पर्सनल नेचर वाले क्वेश्चंस का आंसर वो नहीं देना चाहता था लास्ट में उसने आर्ग्यूमेंट करी ना चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट शॉट खींच लीजिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैंने रख दिया है फाइव फोर थ्री टू वन ट्रू और फॉल्स का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा वन टू थ्री फोर फाइव फोर थ्री टू वन चलिए वॉट सोपीज़ फर्स्ट प्लान वाई डिड इट नॉट वर्क सोभी का सबसे पहला प्लान क्या था क्यों नहीं चला चलिए वो क्वेश्चन ये रहा वट वा, वॉज सोबी भाई सोबी का फर्स्ट प्लान था कि एक बढ़िया ऐसे रेस्टोरेंट में बढ़िया सा खाना खा के बोल देना कि पैसे नहीं है ठीक है तब वो पुलिस वाले को बुलाएंगे फिर वो अरेस्ट हो जाएगा और जज काम कर देगा हमें उसका प्लान चला नहीं जैसे वो रेस्टोरेंट डोर के पास अंदर जाने के लिए आया ठीक है तो हेड वेटर ने देखा कि उसका शूज जो है वो फटा हुआ है और कपड़े भी फटे हुए हैं उसकी पैंट भी फटी हुई है ठीक है तो सोपी को बाहर भेज दिया वापस, ठीक चलिए क्वेश्चन फाइव का आंसर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए फाइव फोर थ्री टू वन इसमें भले ही क्वेश्चन फाइव लिखा है हमको हमारे टेक्स्ट बुक की सीरीज मेंटेन रखनी है ठीक है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी

तो ऐसे इंसान जो विंडो ब्रोक कर देते हैं विंडो तोड़ देते हैं वो रुकेंगे नहीं ठीक है वो इतने फास्ट भागेंगे बहुत फास्ट भागेंगे जितना भाग सकते उतना फास्ट भागेंगे ऑन अदर हैंड सोपी वहीं पे खड़ा था तो इंसान ने देखा कि वो रास्ते पे एक इंसान भाग रहा है तो वो इसके पीछे भागने लगा वो ही गुनेगार होगा ऐसा मानते हुए थिंकिंग दैट ही वॉज द कल्प्रिक ठीक है चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए फाइव फोर थ्री टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चनिंग टू लेट देम शाउट इज द टू तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई जब सोभी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो पागल है पिया हुआ है तो कॉप ने देखा भी नहीं उसको इग्नोर किया और मुड़ गया और एक इंसान जो उसके बाजू में खड़ा था उसको बोलने लगा कि एक कॉलेज बॉय है और ये कुछ नहीं करेगा ठीक है तो पुलिस को तो ऑर्डर्स मिल गए थे कि उसको चिल्लाने दीजिए जितना चिल्लाना है ये कॉलेज बॉय को चिलाना दीजिए जितना चिल्लाना है चल इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए फाइव फोर थ्री टू वन ट्रू आर फॉल्स मैन अम्बरेला एक इंसान का अंबरेला उसने चोर लिया था ये ओनर ऑफ द अम्बरेला ऑफर टू गिव इट टू सोफी जो ओनर था अम्बरेला का ठीक है वो सोफी के पीछे पीछे गया कि वो उसकी अम्ब्रेला है जब उसने एक पुलिस वाले को देखा तो उसने बोला कि उसने एक रेस्टोरेंट में इसको मिला था अगर सोपी का है तो आप ले सकते हैं ठीक है तो नंबर टू का फॉल्स ऑफर नहीं किया था उसने नंबर थ्री द मैन हैड सोलन द अम्ब्रेला दैट वाज नाउ सोपीस ट्रू सही बात है वो इंसान ने चोरी कर लिया था अम्ब्रेला जो अब सोपी के पास था सोपी थ्री वो था अम्ब्रेला सही बात है सोपी ने फेंक दिया था अम्ब्रेला देर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन सोल What brought about the change in सोपी सोपी में क्या चेंज हो गया था तो ये रहा आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर द चेंज केम अबाउट इन सोपी वेन ही केम नियर इज ओल्ड होम वो पुराने घर के पास आया तब एक चेंज आया उसके अंदर वो सॉन्ग सुन रहा था जो रूम में ऐसे आ रहा था उसको याद था वो सॉन्ग वो जब वहां पे रहता था तो वो सब चीज उसको याद आई मदर फ्लावर बड़े उसकी जो इच्छाएं थी फ्रेंड्स उसके विचार उसके कपड़े वो उस सारी चीज उसको याद आई और वही समय पे एक वंडरफुल चेंज आया उसके आत्मा के अंदर उसको बहुत ही बुरा लगा कि वो कैसे ऐसी हालातों में फंस गया है उसके खराब दिन उसकी बुरी आदतें बुरी इच्छाएं ठीक है ये और बुरे थॉट्स, अपना माइंड बिगड़ जाना तो ये सारी चीजें उसको याद आई और उसने सोचा कि हम अब चेंज हो जाते हैं ठीक है चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए फाइव फोर थ्री

तो अगर कोई भी कॉप नहीं आता एंड ऑफ द स्टोरी में तो सोपी सैड बदल जाता ठीक है उसने अपने आप को प्रॉमिस किया था उसने पुराना घर देखा अपने दिन याद किए पुराने बच्चों वाले ठीक है उसने वो इंसान को ढूंढने की बात की थी जिसने उसको जॉब देने का बोला था तो वो उसको मिल जाएगी जॉब मिल जाएगी तो एक ऑनेस्ट मैन की जिंदगी जिएगा एक अच्छी जिंदगी जिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिटेल एन एपिसोड इन द स्टोरी विच इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आयरनी इन अ सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ ये क्या है भाई स्टोरी में से एक एपिसोड लीजिए और बताइए आयरनी आयरनी क्या होता है कि भाई जो होना चाहिए वो नहीं हुआ जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ वन ऑफ द आयरनिक एपिसोड इन द स्टोरी वॉज वेन सोपी डिसाइडेड टू टर्न अ न्यू लीव अब आयरनी क्या थी कि जब उसने अपना पुराना घर देखा और अपने चाइल्डहुड के दिन याद किए तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी चेयर करना चाहता है ठीक है वो एक अच्छा आदमी बनना चाहता है और वही समय पे आ गया पुलिस वाला ठीक है उसने बोला कि वो कुछ नहीं कर रहा हैं को अपने बिलीव नहीं किया और सोपी आर्ग्यू करने लगा को अपने अरेस्ट कर लिया और तीन महीने का प्रिजन काल आइलैंड में दे दिया ये आयरन है वो अपने आप को जब चेंज करने की बात कर रहे हैं सुधरने की बात कर रहे हैं तब पुलिस वाले ने पकड़ लिया और उसको अरेस्ट कर लिया बताइए वो पूरी स्टोरी के अंदर गलत सलत चीजें करता रहा लेकिन पुलिस वाले ने पकड़े पकड़ा नहीं लेकिन वो जब सुधरने की बात कर रहे कि अब हम सुधर जाएंगे तभी पुलिस वाले ने पकड़ लिया और लेके गए ब्लैकवेल आइलैंड में तीन महीने तो बस भाई यहाँ पे खत्म होती है हमारी ये सप्लीमेंटरी रीडर की ये स्टोरी चैप्टर नंबर फाइव फोर 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 चैप्टर नंबर फोर द तो कॉप एंड द एंथम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक बढ़िया से इंग्लिश के चैप्टर की या सप्लीमेंटरी रीडर फाइव की बात करेंगे ठीक है बाय बाय फॉर नाउ और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर लिख दीजिएगा होमवर्क में ठीक है बाय बाय